अब जनाब हम वहां पहुंच गए हैं, जिस उस जगह पहुंच गए हैं जिस जगह से हमारी जिंदगी सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इस वक्त जनाब जिस मैक्रो इकोनॉमिक फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे वो टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये टेक्नोलॉजी क्या बला होती है। वैसे तो हम बहुत सारी चीजें गैजेट्स देखते हैं, वो सब चीजें टेक्नोलॉजी ही होती है, लेकिन इन एसेंस टेक्नोलॉजी असल में कहा जाता है किसी चीज को करने का तरीका, उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पुराने जमानों में जो काम करने के तरीके थे वो भी टेक्नोलॉजी थे। और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कभी एक सी नहीं रहती, जो बदलती रहती है। और टेक्नोलॉजी असल में इसलिए बदलती रहती है कि इंसान की इस दुनिया के अंदर जो कोशिश है वो ये है कि वो नई से नई चीजें दरियाफ्त करे या सीखे। और अपनी इस कोशिश के अंदर वो हमेशा ऐसे तरीके ढूंढ निकालता है जो कि पहले तरीकों से बेहतर होते हैं। मैं दो बातें आपसे यहां पर शेयर करना जरूरी समझता हूं इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं। एक बात यह कि अगर आप बनी नो इंसान के सफर का खुलासा बयान करना चाहें, यानी खुलासा इस चीज का कि इंसान ने आज तक जो सफर किया है स्टोन एज से लेकर, या आज तक जो उसका इंफॉर्मेशन एज तक का सफर है, उसका मुहर्रिक क्या है। यानी आप ये देखेंगे कि इंसान ने आज तक जो हासिल किया है वो कन्वीनियंस है। यानी स्टोन एज से इंफॉर्मेशन एज तक जो हासिल है हर अगले स्टेप पर वो मोर कन्वीनियंस है, जरा आसानी है। एक इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प एक्सप्लेनेशन है, मुझे नहीं मालूम कि आपको पसंद आएगी या नहीं। कोई साहब ये कहते हैं कि असल में इंसान चूंकि जन्नत से निकाला हुआ है, वहां इसको आसानियां बहुत थी, यहां मुश्किलें पेश आ गईं, अब ये उन्हीं आसानियों की तलाश में सफर कर रहा है और ये दुनिया को जन्नत बनाना चाहता है। इसके लाशौर में ये है कि और आसानी पैदा करें, तो इसलिए जितने भी इंसान की ये कोशिश के और आसानी, इस कोशिश के नतीजे में इंसान नई से नई टेक्नोलॉजीज दरियाफ्त कर लेता है। आप गौर कर लीजिए, हर नई टेक्नोलॉजी जो है उसका और पिछली टेक्नोलॉजी का फर्क यह है कि यह ज्यादा कन्वीनियंट होती है, और अगर कोई चीज कन्वीनियंट ना हो तो इंसान उसको कबूल ही नहीं करता। एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट यह है अजीजा ने मन कि इस दुनिया में जो इंसान भी जिया है, whosoever has lived on the planet earth has lived in the age of modern technology। यानी आज से हजार साल पहले लोग जो थे वो अपनी दौर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जिंदा थे, और हम अपने दौर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जिंदा है। लिहाजा टेक्नोलॉजी एक तो हमेशा जो अहद हाजिर है उसमें जदीद तरीन होती है, दूसरा ये हमेशा बदलती रहती है। आप ये देखें कि गाड़ियों से लेकर, यानी जो हमारे ज़राए आमदोरफ्त हैं से लेकर, ज़राए नकल व हरकत से लेकर, जो हमारे ज़राए मुवासलात हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, उनमें कितनी तब्दीली आ गई है। और टेक्नोलॉजी वो फैक्टर है जो अकेला ही इतना बड़ा फैक्टर है कि ये बाकी तमाम फैक्टर्स को बदल सकता है। तो आपको हमेशा ही कोशिश ये करनी है कि आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रखें, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी नई अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करती है और नए चैलेंजेस भी। थैंक यू वेरी मच।